निकलो जल्दी, कितना टाइम लगेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं जा रही हूँ और साथ में दीपा जा रही है हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे, तो उसी के लिए हम रेडी हुए हैं जल्दी जल्दी। और अभी 4 बज चुके हैं, वैसे भी 3:30 का टाइम था, 4 बज चुके हैं, 4 से ज़्यादा ही हो गया। आप पहुँचने में भी टाइम लगेगा, बस निकलते हैं फिर आपको वहाँ पहुँचे। अल्लाह अल्लाह आगे तो बताओ। हाँ हाँ, बाहर निकलने के लिए। और तुम लोग वापस किसके साथ जाओगे? आएगा लेने? तो आज फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है एडिट करने का। ये व्लॉग बड़ा ही लेट कर देती हूँ मैं, कभी कभी मुझे खुद भी रिग्रेट होता है। और मम्मी मुझे बड़ा डांट चुकी थी कि वो व्लॉग तुम बड़ा लेट कर देती हो एडिट करने में, क्योंकि एडिट करने में ही टाइम लगता है, मेन यहीं से होता है। बस व्लॉग अगर बना के अगर तुरंत करना हो ना, तो वो तो फिर उसी दिन चला जाए जिस दिन मैं बनाऊँ। तो बस ये बड़ा काम मुझे भारी लगता है, और वैसे भी मैं इस तरफ अभी थोड़ा बिजी भी थी उसके बाद, पार्टी के बाद, तो इस वजह से मैंने नहीं करा। हाँ, तुम्हारा जो मन तुम ले लो। तो इकरा की बर्थडे पार्टी थी, तो उसके लिए हम मिस्टर ब्राउन आए हुए थे। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें को थोड़ी देर बात बात करने के बाद ऑर्डर कर ली है। हमारा ना यहाँ तक पहुँचने का भी सफ़र बड़ा ही लंबा था, क्योंकि ये लोग ना इतना ज़्यादा प्लान में चेंजेस करते थे कि हम लोग 10-15 दिन पहले से आई गेस हमारा था कि बर्थडे पार्टी पे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। लेकिन हमने पूरे कानपुर के सब जगह ऐसी जहाँ पार्टी करने वाली थी वहाँ सब गिना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो निकल रहा था और सब कैंसिल हो रहा जा रहा था। फिर लास्ट में बचा कि चलो यार बस मिस्टर ब्राउन चलते हैं, बस अब ख़त्म, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। इतना सारा डिसाइड करने के बाद हम घूम फिर के वहीं आ जाया। तो हमें और अदीफा को था और आफिया को था, लेकिन आफिया आई नहीं थी, उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम रहती है। भाई साहब तुम आई नहीं ना, तुम व्लॉग देखोगे बड़ा गुस्सा है हम लोग वैसे भी तुमसे, तो वो तो आई नहीं थी, तो हम ही लोग थे बस। और फिर हमने यहाँ से ई रिक्शा करा और यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं, मतलब उन लोगों ने ई रिक्शा करा, मैं तो स्कूटी से थी। फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जेड स्क्वायर मॉल, तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने फोटोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं ली, तो हम लोग चलो फोटोज़ के लिए एटलीस्ट चलते हैं जेड स्क्वायर मॉल। तो हम लोग जेड स्क्वायर के लिए निकल गए थे और पास ही में है क्योंकि, तो निकल गए थे। तो बस यहाँ पर भी हम जेड स्क्वायर मॉल, अरे हम लोग अचानक से उसने इधर मोड़ा था, तो केक इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि वो इतना हाफ़ केजी का केक भी हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग ने मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था मीठे में कुछ भी खाने का, तो हम लोग ने सॉफ्टी नहीं लिया। उसने बहुत पूछा लेकिन सॉफ्टी बिल्कुल भी मन नहीं करा, कि मीठे से एक वो हो जाता है ना ओवर, वैसे भी मैं मीठा नहीं खा पाती हूँ, और केक और चॉकलेट तक भी लिमिट है, मतलब मिठाई में तो वो भी नहीं खा सकती हूँ। तो बस वो ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ही तीखा स्पाइसी ऑर्डर किया जो है मोमोज़, तो वाह मोमोज़ से हमने एक मील ऑर्डर कर ली थी, तो यहाँ भी हमने खाया। और बर्थडे पार्टीज़ होता ही एक मौका साथ में उठने बैठने का, मिलने का, और मतलब एक अलग से दिन निकालना पड़ता है घूमने के लिए, और एक ही निकला हुआ दिन होता है जो हमें कहीं ना कहीं जाना होता ही है। तो बस यहाँ पे भी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। यूजुअली हम बड़ा लेट हो जाते हैं बर्थडे पार्टीज या कहीं भी घूम फिर के आने से वापस आने में, तो इस बार तो हम आ गए थे मगरिब के टाइम तक, अच्छा खासा टाइम तक। तो बस यहाँ पर भी घर आ चुके हैं, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आए गए हमें एसी की सर्विस करवानी थी, तो वो सर्विस हो रही थी, और उसी टाइम बीच में मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था,
तो बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा, एकदम बारिश वाला मौसम हो गया था, तो वहाँ पे लाइट वाइट भी चली गई थी तो काम रुक गया बीच में, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो गया था अचानक से ही। पापा मुझे फ़ोन करके कह रहे तुमने रील्स या वीडियोज़ बनाई कि नहीं बनाई, मैंने कहा हाँ बनाई है मैंने। तो बस ये उस दिन गुजर गया। और मम्मी ने पाव भाजी की तैयारी तो उसी दिन की हुई थी लेकिन उस दिन नहीं बनाया। फिर नेक्स्ट डे सामान तो अच्छे से सब प्रिपेयर था लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि लाइट बहुत जा रही है अभी नहीं बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर हमने तेल लिया है और बटर लिया है और ये लिया है हमने मिर्चें, तो ये अभी हम इसमें भाजी तैयार कर रहे हैं। तो मम्मी ने फाइनली मेरी बात सुन ली है उस दिन ब्लॉग छोले भटूरे वाले के बाद, मम्मी ने फाइनली सुन लिया कि चलो तुम्हारी ये भी हम फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने इसमें चॉप करी हुई प्याज भी ऐड करी है, तो आपकी वजह से मुझे भी देखे खाने को मिल गया कि मम्मी ऐसे तो नहीं बनाती, लेकिन फिर मम्मी ने कहा चलो अब तुमने ऐसे शिकायत करी ऐसे मैं बनाती नहीं हूँ, तो अब तुम ऐसी मतलब कि अब बना के आपको दिखाना है। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी बहुत ज़्यादा खुश थे कि पाव भाजी एटलीस्ट बन रही है घर पे, और मतलब बाहर से बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस यहाँ पे लहसुन और अभी क्या ये शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च ऐड करा है चॉप करा हुआ ये सब कुछ, तो ये ऐड करा है और इसकी भाजी प्रिपेयर हो रही है जो कि बहुत टेस्टी होती है बाहर के मुकाबले। मतलब मम्मी कहती है कि बाहर से मत खाया करो, यहाँ ही से घर में बनवा लिया करो। मैंने कहा कि आप कह रही हैं आप ही नहीं बनाती हैं। तो फिर यहाँ पे अभी मम्मी ने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है और यहाँ पे करा है पाव भाजी मसाला जो पैकेट वाला होता है पहले से जो रेडीमेड आता है ना वो वाला। तो ये है मम्मी इसको मिक्स कर रही है अभी, मम्मी नहीं ये मैं मिक्स कर रही हूँ, जो तरीका है मिक्स करने का है मेरे मतलब कि बहुत दूर से वो पकड़ती हूँ मैं, जो होता है क्या बोलेंगे इसको चम्मच होता नहीं, अरे यार छोड़ो जो भी होता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर रही है मम्मी, और अभी थोड़ा सा उनको पाव भाजी मसाला और ऐड करना था और हल्दी पाउडर ऐड करना था। तो क्वांटिटी तो सही से मुझे नहीं पता है लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब कि क्योंकि हमारे घर में जितनी बन रही है उस हिसाब से क्वांटिटी डलती है, फिर आपको जैसे बनाना होगा तो बस इंग्रेडिएंट बता दिए आप बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे अदीफा और मैं पागलबंदी कर रहे थे, हम लोग इतना खुश थे पाव भाजी के बनने से, मतलब बाहर से मंगाए खाने में वो मज़ा नहीं जो हमारे घर में बन के मतलब तैयार होती है, तो इस वजह से हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जब हम लोग हरकतें कर रहे थे मम्मी ने कहा तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, बस तुम लोग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ यहाँ काम करते टाइम पे। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे, काफ़ी अच्छा हमारा टाइम भी हो रहा था और यहाँ पे सब्ज़ी भी बनती तैयार होती जा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ने टमाटर ऐड करे हैं और यहाँ पे ऐड करा है हमने 1.5 टीस्पून के करीब हमने रेड चिली पाउडर ऐड करा है इसमें। तो इसको अच्छे से कर लेंगे और इसे भून लेंगे, उसके बाद हम इसको मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे जितना प्रोसेस कर रहे हैं इसमें टाइम लगा था, वैसे भी ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है। तो अभी मम्मी ने बॉयल करा था बाकी आलू और गाजर और अगर आपको मटर भी चाहिए तो वो और बाकी गोभी, तो उसको बॉयल करके मम्मी ने यहाँ पे इसको मैश करके इसमें डाला है ऐड करा है। तो यहाँ पे वो सब मिक्स कर रहे हैं अभी हम, और ये सब तो फास्ट फॉरवर्ड है, काफ़ी टाइम लग रहा था बनाने में, मतलब काफ़ी टाइम भी लेकिन टाइम लगता है, ये तो फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में आपको इतना जल्दी दिखता है और अच्छा भी लगता है फिर फास्ट फॉरवर्ड देखते देखते। तो बस यहाँ पे अभी इसको भी मैश करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करा है, फिर इसको थोड़ा सा बिल्कुल रेडी करने के लिए रख देंगे पानी ऐड करने के बाद। और बस उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे ये बॉईल आ रहा है इसमें, तो अभी हमने इसमें ऐड किया है लास्टली कसूरी मेथी और फिर चॉप करा हुआ इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। तो बस हमारी भाजी बनके तैयार हो चुकी है, अब बारी आती है पाव बनाने की। तो पाव तो आप वैसे भी मतलब कि उसमें डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं बटर में या घी में, तो हमने तो इसको अभी लिया है और इसको हम हाफ में कट करेंगे, बीच से स्प्लिट करेंगे और उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा अलग तड़का लगाया है। तो अभी हम पहले भाजी जितनी हमें सर्व करनी होगी ना उसमें हम अभी तड़का लगाएंगे थोड़ा सा, तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे बटर और लेंगे हम रेड चिली पाउडर थोड़ा सा और चॉप करी हुई इसमें लेंगे प्याज और चॉप करी हुई धनिया। तो ये सब चीज़ें हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमारी जितनी भाजी हमें उस टाइम सर्व करनी होगी ना, तो मम्मी मैं और अदीफा ही थे, जैन इब्रा भी थे लेकिन बेचारे जैसे ही बनके सब कंप्लीट हो गया ना तो हाफिज़ जी आ गए थे उनके, तो वो दोनों बेचारे रोता हुआ मुँह लेके चले गए थे पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जितनी भाजी हमें उस टाइम खानी थी तो हमने इसको निकाल लिया है इसमें, और फिर जो ब्रेड है मतलब पाव होगा वो उसमें हमने थोड़ा सा बटर की जगह और भी चीज़ें ऐड कर दी थी जैसे कि धनिया, और इसमें भी हमने प्याज ऐड कर दिया था। तो बाहर से तो काफ़ी अच्छा और हाइजीनिक और हेल्दी भी रहता है, तो आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी बताइएगा। तो बस पाव को इसमें फ्राई करिए और आप भी इंजॉय करिए, और हमने भी बहुत अच्छा इंजॉय करा, हेल्दी भी होती हाइजेनिक भी होती है। तो व्लॉग भी आपको जल्दी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी एडिट करके डाल के दिखाने की आपको। और यहाँ पे व्लॉग एंड होता है, उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं जल्दी एक न्यू व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।